तो बच्चों क्लास 12 का आज एग्जाम था हिंदी का, तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के सॉल्यूशन को, जिसमें हिंदी इलेक्टिव है, ध्यान रखना। सेट 1, 2, 3 सभी के सॉल्यूशन को एक साथ, बाकी सभी सेट में क्वेश्चन आगे पीछे हैं लेकिन क्वेश्चन सेम है, तो आप कोई एक देख लो। सेट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद सेट 1 कोई सभी एक देख लो, ठीक है, हैं सब में सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो सेट 1, सेट 2, सेट 3 सेम है, सेट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना आगे पीछे आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट में आपका बी राइट है, सेकंड में फर्स्ट में बी, फर्स्ट के सेकंड में बी, फर्स्ट के थर्ड में ए, ठीक है। इसके बाद में फोर में बी, फाइव में बी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। सेकंड क्वेश्चन देख लेना, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, पद ध्यान से क्वेश्चन पे आ जाओ इसके, यहाँ से देख लो। फर्स्ट में बी, सेकंड में सी, थर्ड में सी, फोर्थ में बी, फिफ्थ में ए, सिक्स में डी, ठीक है। इसके आगे सेवन में, इसके सेवन में बी, एट में डी, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट है, गद्यांश ये भी है, ठीक है, देख लो ध्यान से, गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन देखो और आंसर देखो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। थर्ड, फर्स्ट में सी, सेकंड में डी, थर्ड में बी, फोर्थ में सी, फिफ्थ में डी, ठीक है। इसके बाद में इसके आगे क्वेश्चन सिक्स, सिक्स में बी है, सेवन में डी, एट में सी, नाइन में डी, टेन में डी, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन नंबर फोर है, क्वेश्चन देख लो, आगे पीछे अलग अलग सेट में होंगे, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। फर्स्ट में सी, सेकंड में डी, थर्ड में बी, ये आप बुक के शब्दार्थ को पढ़ोगे ना तो आपके समझ में आएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। आगे सिक्स में ए, सॉरी फोर्थ में ए, फिफ्थ में सी है। अगला क्वेश्चन नंबर फाइव है, ध्यान से देखो, फाइव का फर्स्ट, फर्स्ट में आपका डी है, सेकंड में सी है, और फाइव का जो थर्ड है इसमें आपका डी है, बड़े गुलाम अली खां, ठीक है, चैप्टर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, क्लियर है। इसके बाद में आगे इसका जो सिक्स है बी राइट है, सॉरी फोर्थ में बी राइट है, फिफ्थ में बी राइट है, सिक्स में ए राइट है, सेवन में बी राइट है, ठीक है, क्लियर है। आगे अगला क्वेश्चन नंबर सिक्स है, गद्यांश ये भी है, ध्यान से देख लो। फर्स्ट में बी राइट है, सेकंड में डी राइट है, सिद्ध महात्मा, शब्दार्थ पढ़ोगे ना चैप्टर ओपन करके तो आपको पता चलेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। थर्ड में बी, फोर्थ में सी, फिफ्थ में डी, ठीक है। तो टोटल मैंने 1, 2, 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, ठीक है, सभी सेट में आगे पीछे होंगे, कोई सभी सेट आप देख सकते हो, ये सेट 1 है, ठीक है, तो सेट 1 में भी सेम आगे पीछे होंगे, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो अब देखने कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप सेम ऐसे ही मैच कर लो, ठीक है, टाइम लॉस होगा, सब कुछ सेम है, ठीक है, तो ऐसे ही मैच कर लो। बाकी मैंने एक सेट में कंप्लीट कर दिया, टोटल 1 to 6 क्वेश्चन सभी सेट में आगे पीछे इधर उधर होंगे, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो फटाफट मैच कर लो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने कितना राइट किया है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।